तो आज आप लोगों के लिए सिर्फ 15 मिनट में बनने वाली भुना चिकन मसाला करी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे जरूर ट्राई करें। ऐसे ही रेसिपीज लेके आती रहूंगी चैनल कुक विद फैम, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें डालिए तेल। तेल 3 से 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। अच्छे से गर्म करिए हाई फ्लेम पे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। मीडियम से थोड़े बड़े साइज की प्याज है, वजन 200 ग्राम, बारीक काट लें। तेल गर्म हो चुका है, प्याज डाल दें। हाई फ्लेम पे गोल्डन यानी सुनहरा रंग आने तक फ्राई करिए। प्याज का रंग गोल्डन हो चुका है, इसमें डालिए 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से भूनिए। थोड़ा सा नमक डाल दें। अब इसमें डालिए 1/2 किलो चिकन। चिकन डाल के फिर से हाई फ्लेम पे भून दो। चिकन का रंग बदलने का। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालिए 1/2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी लाल मिर्च की चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून से भी कम। इसमें डालिए 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। मीडियम फ्लेम पे भून लें। थोड़ा सा पानी डालिए वरना मसाले जल जाएंगे। फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए और इन मसालों की कड़वाहट ना आए इसलिए हम 2 टेबलस्पून दही डाल देते हैं। पहले फ्लेम बंद करें, इसके बाद ही दही डालिए 2 टेबलस्पून। मिक्स करिए इसे अच्छे से। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर दें। पानी डालिए। मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी अगर आपको पतली चाहिए तो पानी ज़्यादा डालिए, गाढ़ी ग्रेवी के लिए पानी कम डालिए। पर लिड बंद करिए, सीटी लगा दें। सीटी लगाने के बाद फ्लेम को हाई पे रखिए, 7 से 8 सीटी आने दें। 7 से 8 सीटी आने के बाद फ्लेम बंद कर दें, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होने दें। आप लिड ओपन करके देख लें। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार भुना चिकन मसाला करी हमारा रेडी है। फ्लेम ऑन करके आखिर में इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाइए और फ्लेम बंद कर दें। गर्मा गर्म ज़बरदस्त रेसिपी है ये चिकन की। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ, पुलाव के साथ खा सकते हैं। देखिए कितनी झटपट रेसिपी है, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इसे बनाने में। बहुत आसानी से रमज़ान में आप इसे बना सकते हैं। अगर मटन में बनाना है तब भी यही मेथड फॉलो करिए। बंद करके सर्व कर लें। है ना रमजान के लिए परफेक्ट रेसिपी। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही मजेदार और आसान मटन कीमे की रेसिपी प्रेशर कुकर में बनाने का आसान तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को सेव करके रखें, बकरीद के लिए बनाना शुरू करें। मटन कीमा बनाने के लिए प्रेशर कुकर में 1/2 कप तेल डालें। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें डालिए काली मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, दालचीनी के इस साइज के 3 पीसेस, 3 से 4 लौंग, 2 इलायची। 10 से 15 सेकंड के लिए इसे ऐसे ही सॉटे करिए। अब नेक्स्ट इसमें 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। प्याज को हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करिए रंग बदलने तक। इसका प्याज का रंग बदल गया है, देखिए लाइक गोल्डन हो चुका है। इसमें डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून डालिए। अच्छे से भूनिए इसे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद अब नेक्स्ट हम इसमें कीमा डाल देते हैं। 1/2 किलो डालिए। अब कीमा डालने के बाद हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनते जाइए कीमा। हाई फ्लेम पे ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए भूनते जाइए कीमा। कीमे को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें बहुत सारा पानी निकला है, देखिए ऐसे निकलता है। अब नेक्स्ट हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं। डाल के फिर से अच्छे से मिक्स करिए। फिर से मसाले डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनिए। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें टमाटर डाल दें, चॉप किए हुए, बारीक चॉप किए हुए, 2 मीडियम साइज़ के। चलिए इसे भी अच्छे से भूनिए टमाटर सॉफ्ट होने तक। ऐसे ही भूनते जाइए हाई फ्लेम पे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें 1 कप भर के पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद लिड बंद कर दें, हाई फ्लेम पे 6 से 7 सीटी आने दें। उसके बाद फ्लेम बंद कर दें। प्रेशर पूरा खत्म होने के बाद लिड बंद ओपन करके देखिए कीमा रेडी हो जाएगा। 6 से 7 सीटी आने दें, उसके बाद ही खोलिए लिड। 6 से 7 सीटी आ चुके हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार कीमा हमारा रेडी है। इसमें हम थोड़े से धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, मेथी के पत्ते, 1 या 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है इन सभी की। इसमें मिक्स करिए, फिर से 1 मिनट के लिए पका लें बस। अगर आपको कीमा बहुत ड्राई पसंद है तो इसे आप ड्राई कर सकते हैं यानी सुखा सकते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी वाला कीमा पसंद है तो ऐसे ही रख दें।
इसमें एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल दें। एक मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए रोटी नान खिचड़ी के साथ, पराठा के साथ भी बहुत मजे का होता है। है ना बहुत ही ज्यादा आसान और मजेदार हीमे की रेसिपी। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। ईद के दिन पूरे मोहल्ले में और आपके रिश्तेदारों में आप ही के तारीफों का मचेगा शोर जब आप ये 10 मिनट में बनने वाला जबरदस्त डेसर्ट बना के उन लोगों को खिलाएंगे। बहुत आसान है, सिर्फ दूध और ब्रेड अगर आपके पास है तो इसे जरूर बना लें। ये आसान सा डेसर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 8 ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड के स्लाइसेस को देखिए कुछ इस तरह से कट कर लें, हर एक स्लाइस में 4 पीसेस। इस तरह से कट करिए। कट किया हुआ ब्रेड रेडी है, नेक्स्ट हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड कट करने के बाद फ्राई करने के लिए पैन में तेल गरम कर लें, इसमें थोड़ा सा घी डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। आप चाहें तो कंप्लीटली घी में भी ये ब्रेड के पीसेस फ्राई कर सकते हैं या सिर्फ तेल में। तेल और घी गरम हो चुके हैं, ब्रेड के स्लाइसेस पीसेस डालते जाइए, गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। इन्हें टर्न करके चेक करते जाइए। ब्रेड के पीसेस इस तरह से कट करने के बाद थोड़ा सुखा लें, अगर मॉइस्चर रहेगा तो ज्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे। इन्हें काले होने ना दें, बस गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करिए। बस इतना कलर काफी है, अब इन्हें निकाल लें। ऐसे ही करके सभी ब्रेड के पीसेस फ्राई करते जाइए। ब्रेड के पीसेस को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब नेक्स्ट 1 लीटर दूध गरम कर लें। दूध गरम करने से पहले आधा कप दूध एक बाउल में निकाल के रख लें और इसमें डालिए 4 टेबलस्पून वेनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, दूध में एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। मैं 100 ग्राम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब शक्कर घुलने तक इसे पकाते जाइए, फ्लेम को मीडियम पे रखिए। इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालिए, फिर से 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। अब इसमें धीरे से कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया हुआ दूध डालते जाइए और मिक्स करते जाइए, लंप फॉर्म होने ना दें। अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड यानी कंडेंस मिल्क भी डाल रही हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून डालिए। अब अच्छे से पकाते जाइए वरना लंप फॉर्म हो जाएंगे। इसे ही इसे मिक्स करना। कस्टर्ड डालने के बाद फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पकाइए। इस तरह पकाने से कस्टर्ड की जो कच्ची बू है वो चली जाती है, तब तक पकाइए, बस उतना ही काफी है, ज्यादा गाढ़ा ना करें। ये तो रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, बस इतनी कंसिस्टेंसी काफी है। अब फ्लेम बंद कर दें। अब इसे एक सर्विंग डिश में डाल लें। ब्रेड के पीसेस इस तरह से रखते जाइए। अब इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए नट्स डाल दें। और बस इसे चिल कर लें और खा लें। बहुत यम्मी 10 मिनट में रेडी होने वाला डेजर्ट रेडी है। थोड़े स्प्रिंकलर्स भी डाल दें, अच्छा कलर आएगा, अच्छा लुक आएगा इसका। आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर दें। ब्रेड के स्लाइसेस को कंप्लीटली डिप ना करें, इस तरह से ऊपर रखने से ये ऊपर का हिस्सा क्रिस्पी होता है, अंदर का बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी। अगर आपको सभी ब्रेड के पीसेस सॉफ्ट चाहिए तो इसके ऊपर और थोड़ा सा दूध बचा के ऊपर से भी डाल सकते हैं आप। चलिए तो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। देखने में जितना अच्छा है खाने में उससे भी 10 गुना ज्यादा मजेदार है ये। आप लोग जरूर बना के खाइए और सभी को खिलाइए। कमेंट में बताएं रेसिपी कैसी लगी। बहुत बहुत मजे का है, इसे आसान और मजेदार रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जरूर ट्राई। अस्सलाम वालेकुम। इस बकरीद जरूर बनाइए। प्रेशर कुकर में झटपट बनने वाला चटपटा सा खीमे का पुलाव बहुत मजेदार होता है ये। स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करिए, चावल भी खिले खिले बनते हैं। ऐसे ही मजेदार बकरीद स्पेशल रेसिपीज देखने के लिए चैनल कुक विद फैमिली सब्सक्राइब कर लें अभी। खीमा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें डालिए 4 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
घी गर्म होने के बाद इसमें डालिए शाहजीरा 1 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, दालचीनी के 2 पीसेस, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 तेज पत्ता। स्पाइसेस डाल दें और 10 से 15 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे इसे सॉटे कर लें। इसी के साथ एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज भी डाल दें। प्याज का रंग गोल्डन आने तक फ्राई करते जाइए हाई फ्लेम पे ही। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे अच्छे से भून लें। अच्छे से भूनने के बाद इसमें 300 ग्राम कीमा डाल दें, मटन कीमा, या आप चिकन कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डाल के भूनते जाइए। इसी के साथ हम कीमे में थोड़े से ड्राई मसाले भी डाल देते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक डालिए 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसे अच्छे से भूनिए, फ्लेम को हाई पे रख के भूनते जाइए इसे 2 से 3 मिनट के लिए। कीमे को मसालों के साथ अच्छे से भूनने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के बाद फिर से टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनिए। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसके ऊपर लिड बंद करके 5 से 6 सीटी आने दें। 5 से 6 सीटी आ चुके हैं, कीमा हमारा अच्छे से गल गया है 80-90% तक, बाद में चावल के साथ दम में गल जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने चावल इस कप से 2 कप लिए हैं, चावल का वजन 400 ग्राम है, तो पानी इसी कप से 3 कप डालने वाले हैं, 2 कप के लिए 3 कप पानी। 1/2 नींबू का रस डालिए, थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च, फिर से थोड़ा सा नमक डाल दें इसमें चावल के लिए। अच्छे से मिक्स करिए, इसमें उबाल आने दें। मैंने बासमती चावल 1/2 घंटे के लिए भीगे रखा था, 400 ग्राम, 2 कप। पानी में उबाल आ चुका है, भीगे रखे हुए चावल इसमें डाल दें। चावल डालने के बाद एक बार मिक्स करिए, इसके ऊपर लिड बंद करके सीटी लगा दें। सीटी लगा के हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने दें। 2 सीटी आने के बाद फ्लेम बंद कर दें, थोड़ी देर के बाद खोल के देखिए, परफेक्टली चावल हमारे पक जाएंगे। 2 सीटी आ चुके हैं, गर्मा गर्म पुलाव हमारा रेडी है। देखिए दाना दाना खिला खिला बना है। अस्सलाम वालेकुम, आज बैचलर्स और बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सिंपल रेसिपीज भी शेयर करें, तो इसीलिए आप लोगों के लिए आज मजेदार लेकिन बहुत आसान घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनने वाली मटन मसाला करी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे जरूर बनाइए, देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बनाने में सिंपल और खाने में एकदम लाजवाब रेसिपी है ये। मटन मसाला करी के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें डालिए 4 से 5 टेबलस्पून भर के तेल। तेल गर्म होने के बाद तेल में डालिए 1 टीस्पून शाहजीरा, 2 से 3 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी के छोटे 2 या 3 पीसेस। तेल गर्म हो चुका है, स्पाइसेस डाल दें, 10 से 15 सेकंड के लिए सॉटे कर लें। इसमें बड़े साइज की कटी हुई प्याज डाल दें। हाई फ्लेम पे प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करते जाइए। प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें गोश्त डालिए, 1/2 किलो गोश्त, हड्डी वाला किलो। अच्छे से भूनते जाइए हाई फ्लेम पर। नमक डाल दें 1 टीस्पून, इसे भूनिए। गोश्त को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद मीडियम साइज के 2 कटे हुए टमाटर डाल दें इसमें, इसे भी भूनिए। टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनिए। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, आप चाहें तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, फिर से भूनिए। अब मैंने फ्लेम को लो पे रखा है, हाई पे रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे, इसीलिए इसे 1 मिनट के लिए भूनिए। थोड़ा सा दही डाल दें 2 टेबलस्पून, फ्लेम को लो पे रख के डालिए दही, या फ्लेम बंद करके मिक्स कर लें। फिर से इसे अच्छे से भूनने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए भूनिए, इसके बाद पानी डाल दें, 1/2 ग्लास डालिए, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए, मिक्स करिए फिर से। अब प्रेशर कुकर के ऊपर लिड बंद कर दें, हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने दें। 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रखिए, 15 मिनट के लिए गोश्त अच्छे से गल जाएगा। मटन मसाला करी हमारी रेडी है, इसे थोड़ा सा भून लें।
देखिए तेल भी साइड में नजर आ रहा है, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। दो या तीन हरी मिर्च डाल दें इसमें, थोड़े से धनिया के पत्ते। मिक्स करके एक मिनट के लिए पकाइए, उसके बाद फ्लेम बंद कर दें, गर्मा गर्म सर्व करें। रोटी पराठा फुलके के साथ बहुत मजा आएगा, ग्रेवी भी बहुत टेस्टी होती है ना। सिंपल और आसान रेसिपी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर ना हो तो वेजल में ही लो फ्लेम पे रख दें, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा, आधा घंटा भी लग सकता है। ये रेडी है, फ्लेम बंद कर देते हैं। कमेंट में जरूर बताएं सिंपल बैचलर स्पेशल मटन मसाला करी रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें वीडियो अगर पसंद आए, इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जाते जाते चैनल कुक विद फेम भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ऑल भी सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिल सकें।